हेलो पंटन लोग, तो यार नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार पिछली वाली वीडियो किस किसने देखा नीचे कमेंट करो, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हुआ थे कलर मेरे फाइट यार, और उसका रेफरी मैं था। और यार पटन लोग, अगर आपको पता रहे तो हमारे तीन के बीच एक टूर्नामेंट हुआ है, यानी कि यार एक दूसरे के बीच सोलो वर्सेस सोलो का टूर्नामेंट। तो यार पहले राउंड में ओगी वर्सेस सिंचर हुआ था और यार जीत हो गया ओगी का, यानी कि यार उस गेम का जो हारा हुआ व्यक्ति सिंचर हरा वो आज अपुर के साथ खेलेगा, यानी कि जैक द फौजी के साथ। हाँ यार, और आज का रेफरी बनेगा होगे सिंह बॉडी वालिया, जो कि पिछली गेम का विनर था यार। लेकिन इस बार कल भी जेकल को हराऊंगा और आपको फिर से फाइनल में चैलेंज करूंगा, समझ गए ना? अरे यार आ जाना। तो फिर भी यार पटन लोग, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूं कि मैं फाइनल में जा चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले राउंड जीत लिया। तो यार आज के राउंड जैक भैया एंड सिंचन मुन्ना में जोन से वे जीतेंगे, वो आ जाएंगे यार एकदम हमारे फाइनल राउंड में, हर मुकाबला होगा मेरे साथ। तो यार पटन लोग, तो मैच शुरू हो चुका है, काला कपड़ा पहन के एकदम इधर यार सिंचन रेडी है और आगे है जैक भैया। मैं भी ब्लैक का अपोजिट व्हाइट बन के आया हूँ, आपको आज का गेम कौन जीतेगा और कौन जाएगा फाइनल में, जैक भैया या फिर सिंचन मुन्ना? नीचे कमेंट करो। और यार वैसे भी फाइनल में जीतने वाला तो मैं ही हूँ ना, वो तो बत्ती बताएगा कि कल, पहले मुझे जैक अंकल के साथ लड़ने दू। यार मैं भी तैयार हूँ, आ जाओ, हेडशॉट में हेडशॉट मारूंगा। तो कल मारेगा आपको पता चलेगा जैक अंकल, आप भी बन सकते हो क्या मेरे पास भी है। यार तो फर्स्ट राउंड इधर जीत चुका है सिंचन द होरा, शायद तुझे पता नहीं हीरो का एंट्री लास्ट में होता है। अरे आपको नहीं पता जो कि कल अल्ट्रा हीरो का एंट्री लास्ट में भी और शुरुआत में भी होता है, समझ गए ना? आज मैं तो आपका कार बन के आया हूँ बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में। अरे यार दोनों एक व्हाइट ड्रेस में एक ब्लैक ड्रेस में आए और फिर से इधर हुकम का एकदम जबरदस्त वाला यूज और इधर फिर से ग्लू वॉल लगा के दोनों यार ग्लू वॉल के पीछे पीछे और इधर मेडिकेट करते हुए सिंचन द होरा, सब कुछ बता दो क्या कल। अरे यार सॉरी। तो यार बस गेम में फोकस करते हैं और इधर से आ गए जैक भैया, फिर से सिंचन द होरा ने मार दिया है। कैसा लगा जैक अंकल? यार दो बार दिया, मुझे भी अच्छे से खेलना होगा। चैन खोली की बैन खोली है, तो पहला शॉट लगा है जैक भैया की तरफ से और ये सिंचन द होरा एकदम अपने आप को बचाते हुए, और मैं नहीं बता सकता कौन सी जगह में है अभी सिंचन द होरा, क्योंकि यार ये गेम का खिलाफ है और इधर सिंचन द होरा एकदम बैठा हुआ है। इंतजार में घूमे यार, आपकी बात तो नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। है वो तो बत्ती बताएगा जैक अंकल। है तो फिर यार दोनों का युद्ध फिर से चालू हो चुका है और ये क्या, हमारा मुन्ना आ चुका है ऊपर और जैक भैया नीचे लगते हैं। है यार तो इधर से फायरिंग शुरू हो चुका है। तो क्या लगता है आप लोग को, ये गेम में यार सिंचन हैट्रिक मार देगा या फिर जैक भैया रिवेंज लेके हार? ये क्या फिर से है नो शॉट, क्योंकि मुझे जैसे भी करके फाइनल में जाना है। ओए तुझे रोका किसने है, पहले गेम को खत्म होने दे। हाँ गेम को तो खत्म करना ही होगा ना जैक अंकल, आज आपका पुंगी तो बजाना ही होगा ना। ओए कौन किसका पुंगी बजाएगा, वो तो भक्ति बताएगा भूल नहीं थी ना, लग गया ना बस का पता। अरे यार ये क्या हो रहा है पटन लोग, एकदम सिंचन द होरा ने चार मार दिया है और अभी भी जैक भैया का खाता नहीं खुला है, लगता है यार जैक भैया जीरो में हार के मारेंगे। यार कुछ भी कहो, सिंचन द होरा एकदम फायर में है। हाँ मैं फायर में हुआ कल, क्योंकि मुझे जल्दी भी करके फाइनल में आपके साथ लड़ना है। ओए मैं इधर क्या खेत का मूली हूँ जो मुझे काट रहा है तू? मैं फाइनल में जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जैक अंकल। अरे यार ये क्या, जैक भैया अभी तक मैं इतना बुरी तरीके से हारते हुए कभी नहीं देखा और जैक भैया यार अभी तक जीरो में, और सिंचन द होरा इधर पांच मार चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जैक भैया सात जीरो में हार जाएंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे लगता है मेरे को। क्या लगता है फंटर लोग, आप लोग नीचे कमेंट करो। और यार
फाइनल फाइट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है बताओ बताओ। अभी कंसंट्रेट करने दीजिए ना, अंकल कितना बात करती हुए। ओए बिल्कुल सही, ओए चुप कर बैठू। ओके अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एक झापड़ मारूंगा तेरे मुंह में। अरे यार सॉरी सॉरी, तो यार दोनों कंटेस्टेंट यानी कि यार दोनों एकदम हमारा फाइटर्स एकदम गुस्सा हो चुके हैं। और यार चलो इन लोग को अपने स्टाइल में लड़ने देते हैं। और ये क्या लगता है इस बार जग भैया मार के रहेंगे सिंचन डोहरा को। और ये क्या, सिंचन डोहरा चालाकी से एकदम इधर छुप के बैठा है और लगता है जग भैया को पता भी नहीं है। हे यार तो क्या लगता है यार इस बार जग भैया मार पाएंगे क्या। ओए था तेरी की किधर चला गया ये। देख अंकल मैं स्पीडिकेट कर रहा था, आपका थोड़ी बहुत डैमेज लगा था मेरे को। ओए वो तो मुझे भी पता है, ओए था तेरी की मेडिकेट कर लिया इसने। हे यार तो फिर से दोनों का एचपी 200 हो चुका है पंटर लोग। और यार फिर से दोनों हमने सामने है। तो यार क्या लगता है जैक भाई और सिंचन मुंडा में इस राउंड को कौन जीतेगा। एक यार डैमेज मार दिया है फिर से यार। और ये क्या, फिर से एक चांस था। तो यार जैक भैया भी खुद को बचाते हुए, और यार लगता है इस बार जैक भैया चले गए अपने मेडिकेट करने के लिए। किधर चले गए जैक अंकल। ओए मैं भी मेडिकेट कर रहा हूँ। अरे यार अभी तक का जितना भी राउंड हुआ ना, तो यार ये राउंड काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। अरे यार क्या लगता है आपको, सिंचन डोहरा 6 मार देगा या फिर जैक भैया अपना खाता खोल लेंगे। तभी होने नहीं दूंगा, और मैं ये होके दिखाऊंगा, समझ गए ना तू भी। अरे यार दोनों ही एकदम गुस्से में लग रहे हैं। और कुछ भी कहो यार, लेकिन इस राउंड के लिए एक लाइक तो बनता है पटर लोग। यार दोनों ही एकदम इंटेंस फाइट कर रहे हैं यार, दोनों एक दूसरे को डैमेज मार के एक एक मेडिकिट भी यूज कर लिए। और ये क्या फिर से खत्म यार। और पटर लोग आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है, 6-0 में मार दिया सिंचन डोहरा ने। और यार ये आखिरी गेम है, बस आखिरी गेम। अगर इस गेम को जैक भैया हारेंगे तो यार जैक भैया नया रिकॉर्ड बना देंगे, 7-0 में हारने वाला रिकॉर्ड। यार मुझे फाइनल में जाना था, लेकिन ये क्या हो गया। अरे यार भैया फाइनल का सपना छोड़िए, बस यार एक राउंड जीत के दिखाइए, आपका इज्जत बच जाएगा। इसकी बात अंकल आपका भी इज्जत दांव में लगेगा, समझ गए ना, क्योंकि फाइनल तो सिंचन डोहरा ही जीतेगा। और मैं फाइनल के लिए आ रहा हूँ, बस चलिए अंकल तो आपका खेल खत्म। ओह मैं 0 में हार गया पहली बार, ओह ये क्या हो गया मेरे साथ। हे यार पंटर लोग, 7-0 में खेल खत्म हो चुका है। और यार फाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुका है सिंचन डोहरा। पिछली बार जब मैंने सिंचन के साथ खेला था ना गेम, उसमें यार इसका इतना गेम प्ले नहीं था, लेकिन यार इस बार कुछ ज्यादा ही पावर में आ चुका है सिंचन। और यार फट लोग अभी तो फाइनल में, मुझे भी डर लग रहा है फाइनल में आएगा मजे। यार बस अब तो मुझे फाइनल का रेफरी बन के बैठा होगा। हाँ बिल्कुल, और फट लोग इंतजार करो अब फाइनल का।